Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I welcome you back to another session on UGC NET Paper 1. So as aap sabko pata hi hai that we have started with a new series, which will be conducted from Tuesday till Saturday. So Tuesday se leke Saturday tak lagatar mere sessions hone wale hain. That is going to be held at 7 p.m. sharp, where I'll be covering the important topics for both Paper 1 as well as Paper 2 Commerce and Management. और अभी जो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किए हैं दैट हैव रिसेंटली कम अप इन योर एग्जाम, तो जो अभी आपके रिसेंटली एग्जाम में आए थे दैट इज जून 2021 एंड दिसंबर 2020, उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स आए थे विच हैव बीन अ लिटिल मोर डिफिकल्ट और थोड़ा सा वो कोर्स के बाहर आए थे जिनको मैं कहता हूँ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल या फिर हॉट्स. ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगा, आई विल बी टेकिंग यू थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं. ऑल्सो प्लीज 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 अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम. आंसर कीज आर ऑलरेडी आउट, रिजल्ट्स भी आपके जल्दी ही आ जाएंगे. जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपना सिलेबस रैप अप कर पाएंगे एंड यू कैन देन मूव टूवर्ड्स प्रैक्टिसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. And if you're coming here for the very first time, do subscribe to the channel because आपको सारी notification तभी मिलेंगी जब आपने channel को subscribe किया होगा. And also if you have not joined our Telegram group, तो आप हमारे Telegram group को भी join कर सकते हैं. The link is being available in the description. वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कब कब कौन कौन से session आएंगे, कोई result का update होगा तो भी आपको पता चल जाएगा. और भी कोई आपकी query है net से related, eligibility condition से related, PhD से related, job से related, तो सब आप वहां पे बहुत आराम से post कर सकते हैं. I am myself added there and I'll be resolving all your queries as soon as possible. ठीक है, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी. अब आगे बढ़ते हैं, let's move to the questions now. ये सारे के सारे questions अभी जो आपके exams हुए थे उसके अंदर आए हैं और वहां से मैंने ये questions pick किए हैं, but we'll be covering it with utmost conceptual clarity. ठीक है, चलिए पहला question देखते हैं. Which of the following are determinants in transactional communication? तो आपको क्या हुआ है, कुछ determinants दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दिए हुए और आपको बताना है कि अगर आप ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, पहले पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन आपके लिए. सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड डिलेड कॉन्टेक्स्ट. तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कौन कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में एंटर कर रहे होते हैं. ठीक है, सबसे पहले बहुत ब्रीफली एक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन समझते हैं. ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब ही है दैट इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है कि दो लोग जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पज है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेसिफिक गोल की तरफ डायरेक्ट होके वो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं. दैट मीन्स देर इज गोइंग टू बी एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, देखिए जितने आप रट्टे लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाइड वे में बिल्कुल ले मैंस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा. कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी यूज करने से, बहुत बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज करने से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाइड और ले मैंस लैंग्वेज में समझेंगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होगी. तो जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, हम एक अच्छे ट्रांजैक्शन में एंटर कर पाएं. सपोजिटली आप मार्केट में गए हैं कुछ परचेस करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, क्या आप सिर्फ प्राइस पूछ लेते हैं, पेमेंट करके प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं? ऑफकोर्स नॉट. आप क्या करते हैं, आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं, आप क्वालिटी देखते हैं, आप फीचर्स देखते हैं, आप बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने की कोशिश करते हैं एंड देन यू गो फॉर अ परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट. तो सिमिलरली ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. ठीक है, अभी ये हमारे पास 5 कॉन्टेक्स्ट दिए हुए, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस लगाइएगा और आपको ये आंसर पता चल जाएगा. अगर आपको आंसर आ गया तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए. देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जब आप किसी सोसाइटी में डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप किसी खुशी वाले मौके पे गए हैं सोसाइटी में, कोई खुशी का मौका है, लेट से कोई फेस्टिवल है या किसी के घर गए हैं, ठीक है, जहां पे कुछ फेस्टिविटी का सीजन है, लेट से उनके यहाँ किसी की शादी हुई है या किसी को बेबी हुई है, डॉटर हुई है, व्हाटएवर इट बी, किसी अच्छे ओकेजन पे गए हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात होगी उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा.
अगर कहीं पर सोसाइटी में खुशी का माहौल है तो उस टाइम के आपकी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नेगेटिव कॉनोटेशन शो करती हो या फिर नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करती हो। अब आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि आप सोसाइटी में गए हैं बात करने के लिए, वहां पे क्या है कि बहुत ही फॉर्मल काइंड ऑफ अ लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है या बहुत ही पॉजिटिव टोन ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और आप वहां जाके सैड नेगेटिव बातें करने लग गए। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ता है व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसको एक ट्रांजैक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं कि आप जिस भी सोसाइटी में डील करते हैं, चाहे वो फॉर्मल सोसाइटी हो इनफॉर्मल सोसाइटी हो, तो आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना पड़ता है, उसको पहले समझना पड़ता है, उसके बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एलिमेंट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल्चर जो है वो रिलीजन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, इवन कंट्री के हिसाब से वेरी करता रहता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई चीज जो हो जो एक कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल हो माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द अदर कम्युनिटी। तो इसलिए आपको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान से समझना पड़ता है, उसके बिना आप क्या करेंगे कि जो भी आप बोलेंगे वो वहां पे मिस इंटरप्रेट कर लिया जाएगा या फिर मिस अंडरस्टूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कल्चर को भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम तो वी साइन दिखा देते हैं, दैट्स अ विक्ट्री साइन, ठीक है, बट बहुत सारे देशों में इसको अनएथिकल माना जाता है, उसको पॉजिटिव लाइमलाइट में, पॉजिटिव टोन में नहीं लिया जाता। ठीक है, अब रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसका क्या डेप्थ ऑफ रिलेशन आपके साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो आपकी जो बातें होती हैं, जिस तरीके की बातें होती हैं, वो कभी भी आपकी पर्सनल बातें नहीं होती हैं। आप जनरली क्या कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपको ट्रेन में कोई बंदा मिल जाता है तो आप उसको अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में तो नहीं बताने लगेंगे ना कि भाई मेरी घर पे क्या सिचुएशन है, मेरे घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें तो आप नहीं बात करेंगे। सो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जिस भी बंदे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो ये डिटरमाइन करता है दैट व्हाट इज गोइंग टू बी योर डेप्थ ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेरएज अगर आपको कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो सारी चीजें आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब देखिए लीगल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, या लीगल फॉर्मेट में कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने की कोई बात नहीं हो रही है। तो जब तक वो नहीं इंपॉर्टेंट है तब तक लीगल कॉन्टेक्स्ट नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिलेड कॉन्टेक्स्ट नाम का कोई भी चीज होता ही नहीं है। ठीक है, डिलेड कॉन्टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब है कि चीजें डिलेड हो रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत क्लियरली हमें पता चल गया दैट डीएनई कैन नॉट बी द ऑप्शन, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी और सेकंड, दैट इज ए बी एंड सी, इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए हो सकता है कई बार आपको चीजें बहुत आसान लगती हो, बट उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कल ये क्वेश्चन घूम के कुछ और पूछा जा सकता है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो बट अगर कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो एथिक्स के खिलाफ है, एथिक्स होता है व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बिल्कुल अनएथिकल कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी। ठीक है, अब लेट्स से कि आप घर पे अपनी डांस की वीडियो बनाते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो। अब आप अपनी डांस की वीडियो बनाते हैं, आपकी डांस की वीडियो बहुत पसंद आ जाती है, आपके सोसाइटी में फ्रेंड्स सब लोग सोशल मीडिया पे शेयर करने लगते हैं, और क्या होता है ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, इसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो जाती है। ठीक है, तो इससे कोई आपने इसको कमर्शलाइज तो किया नहीं है, आपने इसलिए तो इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया नहीं था, या इसलिए अपने एफबी पे नहीं डाला था कि ये आपको कुछ पैसे कमा के दे। ठीक है, तो ये कुछ भी अनएथिकल नहीं है भाई, वायरल हो गई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप डांस अच्छा कर रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो वायरल हो गई, इसमें अनएथिकल की क्या बात है। सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। ठीक है, नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आपने मीडिया को देखा हो, हमेशा एग्जांपल्स याद रखिए दोस्तों, बिकॉज एग्जांपल से क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन होती है। आपने हमेशा देखा होगा ना कि मीडिया कहती है भाई सूत्रों के हिसाब से या सूत्रों के अनुसार उनको बहुत सारी सेलिब्रिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो कभी भी अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हर चीज का अगर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल पुलिस को काफी बार टिप्स मिलती हैं रिगार्डिंग द टेररिस्ट या फिर कुछ भी जो गलत होने वाला होता है, तो अगर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हर जगह बताई जाएगी अनलेस रिक्वायर्ड, उसका बहुत रिपरकशंस हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉट रिवीलिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल। ठीक है, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लगता है कि भाई हम सर से भी पढ़ लेते हैं, काम करते हैं जो हमारे पास
अभी हमारी मास्टर्स चल रही है, एमकॉम चल रही है, वहां पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहां जो हमें फैकल्टी पढ़ा रही है वो भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि आप सबका नेट क्वालिफाई हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रोपोगेंडा का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमनली टर्म है, और इसको सबसे अच्छे से समझने का तरीका क्या है कि आप इसको मीडिया के टर्म से समझिए। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी की गांव में, किसी विलेज में डेथ हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ या कोई भी मिसहैपनिंग होगी, किसी की डेथ हो गई। अब देखिए प्रोपोगेंडा का क्या मतलब होता है कि आप उसको अननेसेसरी हवा देना चाहते हैं एंड यू मोबिलाइज इट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि नॉर्मल, कोई नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो मीडिया क्या करती है या पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, दे ऐड रिलीजन टू इट, ठीक है, जस्ट टू मोबिलाइज देयर पॉलिटिकल गेन्स आउट ऑफ इट, ठीक है। तो प्रोपोगंडा का क्या मतलब होता है? सिंपली किसी सिंपल से चीज को ओवर हाइप करना, हाइप करके बताना फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है। ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही अनएथिकल चीजें हैं, बिकॉज हर चीज में पॉलिटिक्स लाना, हर चीज में रिलीजन को बीच में ले आना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड मीन्स। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कास्ट और बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ था। भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, ठीक है, और कास्ट इनटू इट, ठीक है। सो प्रोपेगेंडा इज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि अभी आपको टाइम लग रहा है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको आदत ऐसी पड़ चुकी होगी कि आप पहले इन सारे टर्म्स को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तब आप आंसर देंगे, और तब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप सबने आंसर दे दिया। यस, आई कैन सी देयर इशिका हैज गिवन सी एज द करेक्ट आंसर, विनय हैज गिवन सी एज द करेक्ट आंसर, रमन ऑल्सो, काफी सारे लोगों ने आंसर दे दिया। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट ऑफ पावर कम्युनिकेशन क्या होता है? कई बार जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज ही होल्ड्स सम काइंड ऑफ पावर विद हिम। अब पावर को आप अथॉरिटी से भी जोड़ सकते हैं, दैट ही हैज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी और ही हैज सम काइंड ऑफ पावर, उसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन का तरीका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरीके से आप एक बॉस से बात करते हैं, क्या सेम तरीके से आप अपने जूनियर से बात करते हैं? क्या सेम तरीके से आप अपने कलीग से बात करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और अगर आप करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। बट जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है, जो कम्युनिकेशन की टोन होती है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट बिकॉज दैट ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट बिकॉज जो उसके पीछे की पोजिशन है या फिर जो पावर है, दैट वेरीज, और इसके हिसाब से हम अपनी टोन को, अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं। अगर कोई हमसे जूनियर है तो हम उसके साथ थोड़ा सा हाई पिच में बात करते हैं बिकॉज वी फील कि भाई वी आर सुपीरियर टू द अदर पर्सन, वेयर एज अगर हम किसी बॉस से बात करते हैं तो वहां पे हमारी टोन जो है थोड़ी सी सबमिसिव सी हो जाती है इन जनरल, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पावर बेस्ड कम्युनिकेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पावर कम्युनिकेशन गिवन है, वेयर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पावर कम्युनिकेशन आर गिवन, एंड सेकेंड साइड हमारे पास डिस्क्रिप्शन या फीचर गिवन है, हमको उसको सिंपली मैच द कॉलम करना है, मैच करना है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, लेगिटिमेट पावर, सेकंड इज रेफरेंट पावर, थर्ड इज रिवॉर्ड पावर, एंड द फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट पावर। चारों ऑप्शन गिवन है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तब तक मैं आपको चारों चीजें बहुत ही एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देता हूं, ठीक है। देखिए एक्सपर्ट पावर का क्या मतलब है, एक्सपर्ट पावर का क्या मतलब है, आपके पास कुछ स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप सामने वाले के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, यू वैल्यू अदर्स स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बताओ क्या सिम्टम है, तो डॉक्टर जो भी आपको बताता है, जो भी आपको फाइनली गाइडेंस देता है या वर्डिक्ट देता है, आप उसको सुनते हैं ना, एंड यू फॉलो इट। व्हाई डू वी फॉलो इट, बिकॉज वी बिलीव यार ये पर्सन जो है ये एक्सपर्ट है, ही इज ए स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन का टोन, हमारे कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है, पूरा मीडियम होता है वो उस हिसाब से फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपर्ट पावर के बारे में बात करूं, तो आई कैन मैच इट विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। लेगिटिमेट पावर का क्या मतलब है, कुछ लॉ से रिलेटेड आ रहा है, इसका मतलब कुछ पोजिशन होगी उसके पास, ठीक है। तो लेगिटिमेट पावर को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट इट विद द पोजिशन ऑफ द पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है, आपका सुपरवाइजर है, ठीक है, या आपके क्लास में कोई फैकल्टी है, ही हैज द पावर टू गिव यू मार्क्स, ही हैज द पावर टू थ्रो यू आउटसाइड द क्लास इफ यू नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। तो ये सारी चीजें क्यों आ रही है उसके पास, बिकॉज ही हैज गेन्ड दैट पोजीशन, वो उस पोजीशन पे है कि आपको वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है।
रिवॉर्ड पावर क्या होता है, दैट द पर्सन हैज कंट्रोल ओवर द रिवॉर्ड्स, ठीक है, वो आपके रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, आपको किसी तरीके के रिवॉर्ड्स गिफ्ट्स देने की क्षमता उसमें है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका सुपरवाइजर है, ठीक है, दोबारा सुपरवाइजर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका बॉस है या एक लेवल ऊपर है, ये वो पर्सन है जो आपको प्रमोशन देगा, ही इज द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, आपका अप्रेजल होगा और ये पर्सन डिसाइड करेगा कि भाई आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, सो ही हैज द पावर टू गिव यू रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर व्हाट अदर्स सीक। तो आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ज्यादा बेटर पे चाहिए, बेटर सैलरी चाहिए, सो दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो ये इसकी रिवॉर्ड पावर ऑफ कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, बिकॉज उसके पास पावर है आपको रिवॉर्ड देने की, ठीक है। द लास्ट वन इज बी, डिफरेंट पावर। डिफरेंट से एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, आप डिफरेंस देते हैं लोगों का कि भाई मैं उसको जानता हूं, आप उससे बात कर सकते हैं, यू डिफरिंग समबडी, ठीक है। तो वो कब करते हैं आप, व्हेन इट इज व्हेन अदर्स फील टू बी लाइक यू। फॉर एग्जांपल आप कहते नहीं कि यार मैं अभी आजकल शार्क टैंक इंडिया बहुत फेमस है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत फेमस है, तो लेट्स से आप उनमें से किसी शार्क से रेजोनेट करते हैं, लेट्स से आप मिस्टर अमन गुप्ता से रेजोनेट करते हैं, हु इज द को-फाउंडर ऑफ बोट कंपनी जो स्पीकर्स और हेडफोन्स बनाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यार मेरे पास रेफरेंट पावर इस कॉन्टेक्स्ट में है, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, ठीक है। तो प्रोबेबली आप उसको कॉपी करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज स्पीकिंग स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ हिज लीडरशिप और इन एनी अदर डायमेंशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये चार बेसिक कॉन्टेक्स्ट हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी बी या फिर सेकेंड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। यस, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्युटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। किस तरीके के आप वर्ड्स यूज करते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत इंटीग्रल है वो। हो सकता है कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हो वो सामने वाले को वो वर्ड ना समझ में आता हो या वो उसको मिस इंटरप्रेट कर ले। एक ही एग्जांपल यूज करूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। फॉर एग्जांपल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग द मैसेजिंग सिस्टम, मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन में या फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सामने वाला आपके जेस्चर से पहचान जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, देयर इज अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बट जब आप मैसेजेस में बात करते हैं तो कभी भी आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख पाते। सो लेट्स से नाउ यू हैव यूज्ड अ वर्ड चीप, यार ये जो मैं कल वॉलेट लेके आया हूं ये बहुत ही चीप है, ठीक है, इट इज अ वेरी चीप गुड्स। अब सामने वाला हो सकता है चीप को महसूस करे कि यार दिस इज रीजनेबल, ठीक है, कि अच्छा इसको सस्ता मिला था मार्केट में, बहुत महंगा नहीं मिला, इसको रीजनेबल मिला था। और दूसरी चीज दूसरा इंसान क्या इंटरप्रेट कर रहा है या फिर क्या बोलना चाह रहा है, यार इसकी क्वालिटी जो थी वो इन्फीरियर क्वालिटी है, ठीक है, कि कल मैं मार्केट से वॉलेट लेके आया, दिस इज ऑफ inferior quality, ठीक है। So same word is having a different kind of a meaning for two different persons, ठीक है। तो यहाँ पे ambiguity हो सकती है because of incorrect use of words and therefore the first statement is correct, ये बिल्कुल सही है। Second statement क्या है, informal time terms leads to different interpretation, ठीक है। देखिए किस time पे आप communicate कर रहे हैं that has a lot of bearing on various things. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को रिलेटेबल लगे अगर आपने कॉर्पोरेट में काम किया। अब बहुत सारी न्यूज में केसेस पढ़ते हैं हैरेसमेंट के, ठीक है, नॉट जस्ट द हैरेसमेंट विथ नॉर्मल पीपल बट किसी भी जेंडर के साथ हो, नॉट जेंडर स्पेसिफिक। उसमें क्या होता है, टाइम का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेट से किसी अपोजिट जेंडर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं एंड यू गिव देम द कॉम्प्लीमेंट इन ऑफिस, आप ऑफिस में नॉर्मली बात कर रहे हैं, लंच आवर में आप मिले, चार लोग बैठे हुए आपके साथ, ठीक है, और आपने किसी एक को एक जेन्युइन सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेट से रात को 11 बजे, रात को आप 11 बजे बैठे हुए हैं, 11 बजे आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, डोंट यू थिंक कि जो टाइमिंग है, बिकॉज यू आर इन अ फॉर्मल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, यू आर इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, तो हो सकता है कि अगर रात को ही आप, रात को अगर आप कॉम्प्लीमेंट देंगे, इट माइट, I'm not saying necessarily, it might there are chances कि उसका एक गलत मतलब निकाल दिया जाए, और कई बार होता भी, ठीक है। So time is a very important factor when
यू आर कम्युनिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफेशनल सेटिंग और अ पर्सनल सेटिंग. पर्सनल सेटिंग में है तो आप कभी भी किसी को कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, डजेंट मैटर. बट अगर टाइम को आप अधर नहीं करेंगे, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में, तो ये सारी गड़बड़ हो सकती है. आपको इनॉर्मस केसेस मिल जाएंगे बिग बिग कॉर्पोरेट हाउसेज में जहां पर टाइमिंग की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हुई है. ठीक है, सो टाइमिंग लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑल्सो. ठीक है, और इसमें एक छोटा सा दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है कि भाई इनफॉर्मल टाइम में जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, तो जो इंसान का माइंडसेट होता है वो किसी और जोन में होता है. लेट से आप रात को किसी को 11 बजे कॉल कर रहे हैं, जब कोई अपने पार्टी वाली मूड में, लेट से यू आर ड्रंक समवेयर और यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पार्टीज, यू आर इन सम काइंड ऑफ अ पार्टी, तो उस टाइम पे आप उस जोन में नहीं होते हैं, उस फ्लो में नहीं होते कम्युनिकेशन के कि आप प्रॉबेबली चीजों को समझ पाए. तो उस टाइम पे भी हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है. सो टाइम हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे. मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपने आंसर दे दिया है, और प्लीज घबराइए मत, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी आप समझ रहे हैं, व्हाटएवर बी योर अंडरस्टैंडिंग, इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए और वन. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इससे पता चलेगा कि जो पेपर का लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ाया जा चुका है. ठीक है, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन हैव सर्टेनली इंक्रीज. कम्युनिकेशन मींस डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी आप ऐसा टर्म लगा सकते हैं जो नीचे ऑप्शन में दिया है, विच शुड एक्चुअली मेक अ करेक्ट मीनिंग, एक सही मीनिंग निकल के आनी चाहिए. ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, व्हाट डू यू एंगेज इनटू कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इज इट अ मीन्स ऑफ सेपरेशन, क्या आप चीजों को दबाना चाहते हैं. ठीक है, क्या आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, क्या आप चीजों को समझाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू अंडर इनहांस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कोशिश मैं अभी कर रहा हूं. ठीक है, डीकंटेक्चुअलाइजेशन, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, और इज इट लास्ट एब्स्ट्रैक्शन. अब देखिए, ये टर्म्स का ना मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं. देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकता, बिकॉज सेपरेशन अगर करना होता तो हम बात क्यों कर रहे होते, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग क्यों कर रहे होते. ठीक है, तो जो सेपरेशन टर्म है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, किताबी बातें या वैसी बातें जो सिर्फ थ्योरेटिकली या बात करने में अच्छी लगती हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल इनफ. फॉर एग्जांपल, आपने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते सुना होगा कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, कि एक्चुअली चांद तारे कोई तोड़ के लाता है. सो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ एलिमेंट. तो ओरिजिनली कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट बातें करें, आप हवा में बातें करें. आपने सुना होगा आपके दोस्तों के साथ कि कुछ लोग कुछ हवा में बातें करते हैं, तो आप क्या कहते हैं उन्हें, यार हवा में मत बातें कर, प्रैक्टिकल आ जा, थोड़ा जमीन पे आ जा. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कम्युनिकेशन का, मींस नहीं हो सकता. तो क्या क्या आंसर हो जाएंगे हमारे, एक्सचेंज, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको कोई खबर मिली लेट से टॉप लेवल मैनेजमेंट से, बोनस से रिगार्डिंग, आप उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, सो एक्सचेंज कैन बी एन ऑब्जेक्टिव. आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूं. और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं कई बार कोशिश करता हूं कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, सम डेज आई एम क्वाइट स्ट्रिक्ट, दो मैं नहीं कोशिश चाहता हूं कि डांटूं आपको, बट कभी कभी मुझे थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करना पड़ता है, जिसके लिए मैं नेगेटिव मोटिवेशन भी आपको देता हूं कि अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, नहीं क्लियर होगा तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी. ठीक है, सो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज माय कॉन्टेक्स्ट. माय कॉन्टेक्स्ट इज कि आप पढ़ना शुरू कर दें, नेट जीआरएफ क्वालिफाई करें और जल्दी से अच्छे अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनके अच्छी अच्छी जगह जॉब करें. ठीक है, सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट मीन्स जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सी बी सी एंड डी. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकूं. देखिए, क्वेश्चंस आप कभी भी लगा सकते हैं, आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, बट यहां जो मैं 25-30 मिनट में कोशिश कर रहा हूं उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें और उसी के साथ आप अपनी तैयारी करें. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको लगता है कि आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं, कुछ आपको सीखने मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए. टुमारो वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद सम अमेजिंग क्वेश्चंस. टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.